इतने से कॉफी लेके गया। इधर का दिख क्यों नहीं रहा है सर? इधर मुझे वो कैम वो बच्चे दिख रहे थे, वो नहीं दिख रहे। यस बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। गुड वॉइस इवनिंग मैम। वॉइस इज क्लियर? यस यस मैम। यस मैम। वीडियो इज आल्सो क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो टुडे वी डिस्कस डीपीक्यू। डन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, कोई डाउट कुछ पूछना है? एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा फटाफट। यस मैम, चीटिंग हो गई हमारे साथ तो। क्या हुआ है? चीटिंग मैम, वो वाला लिंक नहीं चल रहा, ईमेल वाला। मैम वो ही खोल के बैठे थे। व्हाट्सएप पे बताया भी नहीं कि व्हाट्सएप पर लिख के कि किसी पर फैन होना है। क्या 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 फिर से बोला? व्हाट्सएप पर आया ही नहीं कि हमें एससी पर ज्वाइन होना था, जो पहले से वो 4 PM की थी ना, क्योंकि ये लिंक अच्छा दिख सर की, सब लोग उस लिंक पर हैं अभी भी। यस मैम, तभी बच्चे काम आ। तो अभी यस मैम बंद किया कि नहीं किया सर? मैम वो तो बंद ही है। आप मैम एक बार आप व्हाट्सएप में बता दीजिए। यस मैम। अच्छा, ये कौन सी लिंक पे स्टार्ट करके गए सर? ये प्रतीक वाले लिंक? व्हाट्सएप वाले। व्हाट्सएप पर जो लिंक आई थी अभी हमारी फिजिक्स की क्लास के लिए, उसी पर। वो मैम वो 4 बजे की। राघवेंद्र सर, मैम राघवेंद्र सर ने की थी इसमें। अच्छा, तो अभी अपन उसी लिंक पे कनेक्ट हो रहे हैं? नहीं मैम, अभी उसी पर ही है। अच्छा, आप ग्रुप में लिख दीजिए। सारे बच्चे नहीं है, बहुत थोड़े से बच्चे दिख रहे हैं मुझे। मुझे भी मेरे फ्रेंड ने बताया, वरना धोखा हो जाता। मैं तो डरी था। हम हमारा वो बोर्ड पर लिख ये हटा नहीं सकते, रेज नहीं कर सकते क्या? अभी कुछ बच्चे आए क्या? अभी नहीं आए मैम। 31, 32 मैम। लिंक मैम वापस सेंड। ये लिंक वापस भेजे क्या ग्रुप पे? बच्चे उस वाले लिंक पे ही जुड़े हुए अभी। सुमित सर को बोलना पड़ेगा ना यार, ये एर्गोन बच्चों को लग रहा है कि वो पुरानी वाली लिंक है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। यस मैम, आपके पता चला। मैम आपकी आवाज बहुत लो आ रही है।
गुड इवनिंग मैम। बच्चे तब तक yes, ना ऐसे तो हमारा बॉटे 5:30 हो गए। चलो पेपर देखते हैं फटाफट, पहले पेपर को खत्म करते हैं, फिर अगर कुछ आपको और पूछना है तो यू आस्क टू मी। यस मैम, सिंपल था। हाँ वैसे सिंपल था, लेक्चर के बाद देख लिया था, लेक्चर के बाद यस मैम सिंपल था। बहुत मैम एक क्वेश्चन कॉपीड था मैम, उसके मैम दो क्वेश्चन थे और दोनों में अलग 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 आंसर थे। यस मैम यस मैम, ऑप्शन अलग अलग होंगे। यस मैम, नहीं मैम क्वेश्चन भी सेम था लेकिन ऑप्शन मैंने जानबूझ के दिया था ऐसा क्वेश्चन कि ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, आप एक ही क्वेश्चन का एक आंसर रट के नहीं जाना है एमसीक्यू में। हो सकता है क्वेश्चन सेम हो, ऑप्शन अलग अलग दे दे तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो रट के जाने वाले हैं प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है? नहीं मैम, मोस्ट एप्रोप्रिएट पे लगाना है। हाँ ऑफ कोर्स, ये अब मैं देख रही हूँ मेरा डीपीपी 2, पहले ही पी अच्छा नहीं बना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम आपने अभी तक क्या करा दिया? मैम एक्चुअली सुमित सर ने अभी डाला है कि मैं ये वाली लिंक यूज कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं बढ़ाया, अब मैं आपका वेट ही कर रही थी। ओके, हम दूसरी बातें डिस्कस कर रहे थे। यस ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन वी कंटिन्यू नाउ। Yes. Students are there now. Now it was 5:30, 5:35. First question, which one is the constituent unit of pistol? Petals. Tepal A, petals. Petals B. Pistol का क्या? Tepal A. Carpels. हम carpels होना चाहिए. Carpel होना चाहिए. Answer petals B. सुनो, सेपल और पेट्रोल तो कैलिक्स और करोला है। यस मैम, है ना? टेपल के बारे में आपको पता ही नहीं है। कार्पेल लिखा है। हाँ, टेपल्स आपको पता ही नहीं है क्या होता है, मतलब मैंने आपको बताया नहीं है। तो फिर आंसर क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन कार्पेल। यस मैम, जिनेशियम होना चाहिए ना। बट ऑप्शन में गाइनेशियम की तो सिंगल यूनिट होती है मैम। गाइनेशियम क्वेश्चन के हिसाब से तो सिर्फ एक ही आंसर होना चाहिए, गाइनेशियम। गाइनेशियम हम ग्रुप को कह रहे हैं। यस मैम, कंसीडर मेंबर को मैंने बोला है सेपल। ओ सॉरी मैम, पिस्टल। कार्पल इसके सिंगल मेंबर को बोला है मैंने कार्पल या पिस्टल। मैम लेकिन इसमें अपन ये पूछा है कि पिस्टल का सिंगल मेंबर क्या है? हम पिस्टल का सिंगल मेंबर हम बता ही नहीं सकते। पिस्टल का सिंगल मेंबर तो वो फिर अपन उसके पार्ट्स ऑफ द पिस्टल लिखने पड़ते। क्या होगा? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाले पार्ट कंपोनेंट। यस मैम। और वैसे नाम तो यहाँ पे दिए ही नहीं गए हैं, तो पिस्टल वर्ड से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे क्या है? ओनली कार्पल। नहीं है ना, बट ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ आएगा तो वहाँ आप क्वेश्चन के लिए लड़ने तो नहीं जा पाओगे ना मैम। ये क्वेश्चन अगर देखे तो इनवैलिड है ना, वो लगाएंगे ना। बट जो हमको वहाँ एप्रोप्रिएट लग रहा है उसको हमको टिक करना है। ओके मैम। ना अब कांस्टेंट यूनिट मतलब क्या होता है मैम? पर राइट आंसर स्टिग्मा होगा ना, या फिर ओवरी या ओव्यूम। पिस्टल किसका? पिस्टल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Yes, है ना? तो फिर यहाँ हमारा आंसर कार्पल ही हो सकता है। क्योंकि बाकी और कुछ उससे रिलेटेड है ही नहीं। कैलिक्स करोला से रिलेटेड मेरा सेपल और पेटल है। यस मैम। और टेपल मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, सो वो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैम अगर नन ऑफ दीज होता तो हम नन ऑफ दीज टिक करते हैं, कार्पल।
नहीं, आप कार्पल टिक कर सकते थे. ओके मैम, कार्पल टिक कर सकते. मैम अगर स्टिक ना कुछ होता तो उसको लगाते ना. हाँ तो लगा सकते थे. ओके मैम, बट अगर नन ऑफ दीज दिया होता तो नन ऑफ दीज ज्यादा एप्रोप्रिएट होता, क्योंकि कार्पल उसकी यूनिट नहीं होती है. हाँ उसका अदर नेम होता है ना वो तो. यस मैम. यस मैम, लगा सकते थे, लगा सकते थे. ओके हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मतलब उसका पार्ट ना. हाँ एक मिनट में थोड़ा सा देखो क्या कंफ्यूजन हो रहा था. मैम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का गूगल पे तो मीनिंग आ रहा है संघटक. हाँ वो तो ठीक है मैम, उसका मतलब तो यही है ना, मतलब जिससे जुड़ा रहता है वो. किससे मिल मिल के बना है, किससे उसके पार्ट्स मतलब. मैं बाद में देख के बताऊंगी, बट अभी जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें तो हमारा आंसर कार्पल ही होगा. और क्या ऑप्शन हो सकते हैं उस हिसाब से हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है कि उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दिया है या उसमें कुछ और दिया है या इससे प्लेसेंटा ओव्यूल एम्ब्रियो सेक उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हैं. सो वी मे चेंज अवर आंसर है ना अकॉर्डिंगली. सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है फ्लावरिंग प्रोसेस. फ्लावरिंग प्रोसेस इन प्लांट थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड. ये पॉइंट आपको याद रखना है. सेकंड क्वेश्चन को स्टार लगा लो. मैम फ्लावरिंग प्रोसेस मतलब फ्लावर का प्लांट्स में मैच्योर होना या डेवलप होना. मैम बनना. हाँ वही बनना. तो प्लांट्स के ऊपर फ्लावर बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं टेम्परेचर फ्लक्चुएट करके वी इंड्यूस द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स. तो वो लो टेम्परेचर करके फ्लावर को बनाने का जो तरीका होगा दैट वी कॉल द वर्नेलाइजेशन. मैम पर लोडिंग मैंने चाहिए होता है फ्लावर्स के बनने के लिए. क्या क्या फिर से बोला. मैम इसमें लिखा है कि लो टेम्परेचर देना पड़ता है फ्लावर्स के बनने के लिए, तो मैम वो लो टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट होता है. अब जैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इट रिक्वायर 2-3 डिग्री लेस टेम्परेचर for the formation of sperm. That's why these testes are present outside in the male body. Okay. So, उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी होता है. अब greenhouse effect में वो ने अपन देखा temperature बढ़ रहा था, तो उस temperature को reduce करने से करने के लिए we are making that greenhouse around our crop field. Yes, ma'am. Okay. तो उससे क्या हो रहा था, temperature अंदर का बढ़ रहा था ना. Yes, ma'am. तो that rise temperature मतलब high temperature is favorable for the growth of that crop. Yes, ma'am. मैं जहाँ कोल्ड एरिया में जा रही हूँ जहाँ टेम्परेचर कम है वहां पर मुझे ऐसे ग्रीन हाउस बने हुए दिख रहे हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बेटर है. मैम मतलब पॉलिनेशन वर्नेलाइजेशन के बाद टेक प्लेस होगा ना. क्या क्या फिर से क्या बोलना, फिर से एक बार बोलना. मैम वर्नेलाइज जो मैम पॉलिनेशन है वर्नेलाइजेशन के बाद ही होगा ना. हाँ, फ्लावर ही बाद में आएगा. हाँ वो तो फ्लावर डेवलप होगा उसके अंदर पोलन ग्रेन बनेगा उसके बाद एक्सचेंज इज ऑब्जर्व मतलब पोलिनेशन इज ऑब्जर्व. हम पर ऐसा मतलब जरूरी होता है लो टेम्परेचर. अब हर प्लांट के लिए लो टेम्परेचर जरूरी नहीं है. कुछ प्लांट के लिए लो टेम्परेचर होगा ना. हाँ कुछ प्लांट के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा तो उसी को हम इंड्यूस कर पाएंगे. लो टेम्परेचर करेंगे तो थोड़ी फेवरेबल होगा. मैम जैसे अंटार्कटिका में ग्रीन हाउस बना है उसको उस उधर भी वर्नेलाइजेशन होता है. हाँ हो सकता है पर ग्रीन हाउस बना के हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं पहले सोचो जरा एक मिनट. बढ़ाते हैं. सो फिर वर्नेलाइजेशन में हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं. मैम डेजर्ट एरिया में होगा ये तो. हाँ और ग्रीन हाउस में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं दो अलग अलग बातें कम्बाइन कर रहे हैं. अभी क्लियर हुआ. मैम लो टेम्परेचर वाली बात समझ में नहीं आ रही. मैम लो टेम्परेचर क्यों करेंगे. मैम
लो टेम्परेचर इंड्यूसेस द फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट। हाँ कुछ में होगा बेटा, हर किसी में नहीं होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि कंडीशंस को फेवरेबल करने के लिए। हाँ ऑफ कोर्स। अब जैसे मैंने बोला ये पॉलिनेशन है उसके लिए कंडीशन अलग लगेगी, फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशंस अलग लगती है। अब मैंने स्पोर फॉर्मेशन नहीं बोला, इन फेवरेबल कंडीशंस स्पोर्स आर रिलीज्ड आउट। अरे फेवरेबल मतलब क्या, हम फूड का राइपनिंग कराते हैं, हम कोल्ड स्टोरेज में फलों को रख दिया तो दे प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड ना, which has reduced the growth of algae, fungi or bacteria on that food product. So cold storage वहाँ हमको prevent कर रहा है for spoilage of the food. So temperature या का कम या ज़्यादा करना उस particular object पर depend करता है ना कि उसके लिए क्या favorable रहेगा। आप कभी केले लाके freeze में तो नहीं रखते हो? Yes ma'am, no ma'am. केले mostly बाहर ही dining table पे रखे होते। खराब हो जाएगा ना, और केला दो दिन भी बाहर रहेगा तो खराब नहीं होगा। एक चीज समझ नहीं आई, लेकिन केले को फ्रिज में रखोगे उसका छिलका तो काला हो जाएगा पर अंदर से केला अच्छा होगा। कभी रख के देखना केले को। बोलो कौन चिल्लाया ये चीज पूछनी थी कि जो फाइनलाइजेशन होता है मैम उसमें जो लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ लो टेम्परेचर मैम वो प्लांट की फेवरेबल कंडीशन से लो है या फिर फेवरेबल कंडीशन का टेम्परेचर वैसे ही लो है? नहीं नहीं उसके उसके नहीं फेवरेबल कंडीशन तो नहीं, प्लांट में नॉर्मली फ्लावरिंग होता है। जैसे मैंने गुलाब बोला, गुलाब का फूल हर सीजन में आ रहा है पर मोगरे का फूल ठंड में ही आ रहा है तो अब कंडीशन चेंज हो गई ना, मोगरे का फूल लो टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है। यस मैम। नो आई एम आस्किंग लाइक ऐसे जो प्लांट्स थे कि वो गर्मियों में जो उगते हैं मैम उनको लो टेम्परेचर दे के फ्लावरिंग करवाएं अपन, या फिर जिनके फेवरेबल कंडीशन थी लो टेम्परेचर के वो वाली? नहीं जिनको जरूरत है उनको अपन कराएंगे ना, जो हमेशा उसी टेम्परेचर में कर रहे है वो तो कर ही लेंगे। अगर हमको गर्मियों में मोगरा चाहिए तो हम उसको लो टेम्परेचर वाला ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें भी मोगरा हमको मिलेगा। अच्छा ओके मैम, फ्रिज में रखे प्लांट को। हाँ तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हर सीजन में हर फ्लावर मिले तो हम उसको टेम्परेचर वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यस मैम। अभी कुछ समझ आया? Yes, ना मोगरा क्या होता है? अरे मोगरे का फूल होता है यार, अब मैं कैसे बताऊं तुझे? इंग्लिश आई डोंट नो, मोगरा ढूंढना पड़ेगा। इसमें व्हाइट व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का छोटा सा होता है गजरा। जैस्मिन गजरा बनता है, गजरा जैस्मिन होता है शायद, हो सकता है अभी मुझे याद। यस मैम समझ गया मैम। केला खाने के बाद मैम उसका छिलका जल्दी काला क्यों पड़ जाता है? जब केला होता है तो मैम तब उतना नहीं पड़ता काला, उसके अंदर कोई एसिड होता है। मैम जैस्मिन, हम जैस्मिन ही होता है, हम गूगल कर लेंगे जैस्मिन। हेलो अभी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। यस मैम। डी ऑप्शन का क्या था मतलब, उनका मीनिंग क्या? ऐसे ही हम सीड को भी जर्मिनेट करा सकते हैं लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे करके। मैम ऑप्शन ही तो, ऑप्शन भी तो सेम ही है ना, चिलिंग और वो सही। हाँ चिलिंग ठीक। अब देखो सिर्फ चिलिंग करना, ठंडा करना बात अलग है। चील्ड हो गया मतलब आपने कितना ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिया है, चील्ड वाला और नॉर्मल ठंडा अंतर है ना, और वो एकदम जीरो टेम्परेचर अंतर है ना। यस मैम। यस इसलिए आंसर क्या होगा, वर्नलाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन है प्लांट विद बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। क्वेश्चन फोर है हमारा द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड करोला। करोला डी बोले। हाँ बोलो किसमें डाउट है? हाँ मोनोशियस और डायोशियस मतलब जो थर्ड वाले में ऑप्शंस में, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। मोनोशियस एंड डायोशियस क्या गेस करते हो क्या हो सकता है?
मोनोशियन वो प्लांट होते हैं जिनमें मतलब फीमेल्स और मेल्स दोनों फ्लावर्स हो. अच्छा वो डैशियस मतलब हम शायद इसने उल्टा बोल दिया. मोनो का एक फ्लावर होना चाहिए. यस मैम डायोसिस होगा वो तो. मैम मैंने ये बोला दोनों में से कोई एक. दोनों में से कोई एक होगा तो वो मोनोशियस होगा ऐसा. यस मैम अलग आया था. मैम गूगल में तो कुछ अजीब सा था कि मैम वो स्पीशीज जो हम स्पर्म और एग्स को सेम कुछ तो भी उस पे करती है प्रोड्यूस. मतलब यहाँ बताएं मोनोशियस मतलब ऐसा एक प्लांट है जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हैं. अ सिंगल प्लांट दैट बियर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेटली. मोनोशियस में तो एक हो. दैट वाज योर डायोशियस. मोनोशियस डिस्क्राइब एज अ सिंगल प्लांट दैट बियर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर. मैम रिपीट रिपीट क्या रिपीट क्या मोनोशियस मतलब हर्माफ्रोडाइट होगा क्या. मैम ये समझ रहा हूँ मोनोशियस और यूनिसेक्सुअल अलग कैसे होता है. आपको ये हर्माफ्रोडाइट वर्ड पता है क्या. लेकिन वो एनिमल्स के लिए होता शायद. हाँ हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी यूज फॉर एनिमल्स ओनली. मोनोशियस एंड डायोशियस फ्लावर. एक सेकंड मैं एक और बुक में देख के फिर कंफर्म बताती हूँ. यहाँ घर पे बुक्स बहुत सारी होती है. यहाँ इतनी बुक लाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मेरा बैग फट गया पता है किताबें रख रख के. ओए यहीं पे था कहीं. यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल अगर कैलिक्स और करोला डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं सो दैट कंडीशन वी कॉल्ड पेरियंथ कंडीशन. एक और चीज नोट कर लो पॉइंट मिला है तो PERI PERI ANTH पेरियंथ. कब बोलूंगी पेरियंथ कंडीशन. कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट. कैलिक्स एंड करोला नॉट डिस्टिंक्ट मतलब मैं उसको अलग अलग नहीं कर पा रही हूँ. तो उसका पेरियंट कंडीशन. मैम एग्जांपल बता दो यार. मुझे मिल क्यों नहीं रहा है मोनोशियस डायोशियस. मतलब कि वो जॉइंट नहीं है. मैम वो अलग अलग नहीं हो पा रहे. मतलब दोनों वो एक ही होते हैं क्या. क्या क्या नहीं कैसे. अरे सुनो सुनो शांति. कैलिक्स ग्रीन कलर की है और करोला कलरफुल है ना. अब मैंने बोला कैलिक्स भी कलरफुल हो गया तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ ना कि कौन कैलिक्स है कौन करोला है. मैम ये बहुत ही रेयर हो. यस मैम रेयर होता है बट. और मैम अगर ग्रीन हो जाए. मैम जैसे वीनस स्प्राइट है ग्रीन हो. अगर दोनों ग्रीन हो जाए तो भी मैं कैलिक्स करोला को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ. सो इस कंडीशन को मैं पेरियंथ कंडीशन करती हूँ. जैसे मेरा लिली प्लांट होता है वॉटर लिली LILY. अरे अरे कैलिक्स क्या. ये मेरा थैलेमस ये मेरा पेडिसिल. मुझे ज्यादा गहराई में जाना ही नहीं चाहिए कि तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो. ये कैलिक्स था. यस मैम. ये ग्रीन कलर का था. यस मैम. ना ये मेरी फ्लावर की पेटल्स थी कलरफुल. ये कलरफुल थी करोला. अब दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी कब. या तो ये भी कलरफुल हो जाएगा या तो ये भी ग्रीन कलर का हो जाएगा. यस मैम.
जब कैलिक्स और करोला सेम अपीयरेंस के होंगे तब बोलेंगे ना पेरियंस. हाँ हाँ मतलब ये दोनों मैम ट्यूलिप भी इसका एग्जांपल है. अपीयरेंस आल्सो कलर आल्सो बेसिक तो हम कलर से आइडेंटिफाई करते हैं ना. यस जैसे वाटर लिली. हाँ लिली 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 पीली. हम इसका एक और एग्जांपल क्या इसमें तो अभी एक ही दिया हुआ है बेटा वाटर लिली. मैम ट्यूलिप मैम जो लोटस का लीफ होता है वो उसका सेपल होता है ना. हाँ, वो नीचे का नीचे का. हाँ मैम नीचे उसके क्वेश्चंस है तो आप तब बता देना. अभी आगे क्वेश्चंस का. हाँ यार तुम कहाँ गायब हो गया हो. यस मैम और क्वेश्चंस में डाउट. मैम डीपी क्यों कब डिस्कस होगी मैम वो डीपीपी बुकलेट की. कौन सी डीपीपी. मोनोशियस प्लांट टाइप एंड एग्जांपल. बनाना इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोशियस प्लांट विद male and female flowers. The plant develop one large inflorescence that has a rows of male and female flowers. मतलब इसमें male flower अलग है और female flower अलग है. और वो एक ही plant पे एक ही plant पे male और female दोनों flower present है तो उसको बोलूँगी monoecious. monoecious plants के लिए मतलब किया जाता है. हम आप लिख दो मैम. monoecious मतलब on one plant we have. तो मैम जो अपना third question है मैम उसका answer फिर C आना चाहिए क्योंकि मैम उसने पूछा क्या plant with both male and female flower. male and female flowers are present. banana is an example of monoecious plant with male and female flowers. the plant develops one large inflorescence that has a rows of male and female flowers. Squashes is the another example. Ma'am, separately रहता है ना. हम मतलब monoecious plants have male flower and female flowers in separate structure on the same plant. वही तो बात हो गई ना. एक ही plant के ऊपर अलग-अलग structures में male और female flower present है. हम ऊपर नीचे. Same plant house different flower. मेल एंड अदर बीइंग्स ठीक है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर मैम यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होगा फिर जिसके अंदर सिर्फ एक ही होगा. हाँ मतलब कि पूरे प्लांट में सिर्फ एक ही. तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा. तो मैम बाइसेक्सुअल सही है मैम. बाइसेक्सुअल के अंदर दोनों होंगे साथ में. मैम बाइसेक्सुअल भी तो वो डायशियस मतलब दोनों में से कोई एक फ्लावर होगा. अच्छा ओके मैम. डायशियस बोला है तो मैम वो तो फिर यूनिसेक्सुअल का अकॉर्डिंग टू सेकंड का मोनोशियस होना चाहिए. यस मैम. डायशियस में मैम यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हम फ्लावर के लिए बोलेंगे ना. यस मैम. और ये प्लांट मोनोशियस और मैम ये प्लांट के लिए प्लांट के लिए बोल रहे हैं. मोनोशियस प्लांट है तो मैम प्लांट के लिए फिर इसका ऑप्शन सी होगा ना. मैम सी होना चाहिए थर्ड का. थर्ड का मोनोशियस प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट है सेपरेट. और डायशियस प्लांट मतलब दे बियर आइदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर. आइदर मेल और फीमेल फ्लावर. हम डायशियस और यूनिसेक्सुअल उसमें क्या डिफरेंस है बता रही. ये समझ आया. अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है मतलब दैट वाज योर मेल फ्लावर है ना. मैंने यहाँ पर बोला यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ओनली एंड्रोशियम मतलब बोल सकती हूँ मेरा स्टेमन या मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. सो ये मेल फ्लावर हो गया. क्या मैं बोलूंगी सिर्फ गाइनेशियम वाला पार्ट प्रेजेंट है मतलब सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है ना. सो फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल. व्हेन द फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम है ना
उसको मैं क्या बोलूंगी, बायसेक्सुअल। मैम मतलब मोनोशियस और डायशियस जो होते हैं प्लांट्स के लिए होते हैं। हाँ, बायसेक्सुअल मतलब बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम एंड गाइनेशियम आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होंगे एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। मैम मोनोशियस और डायशियस का मतलब कैसे प्लांट के लिए यूज होता है? मैम मतलब प्लांट के लिए इधर मतलब ये प्लांट मोनोशियस है कि डायशियस है? हम नहीं बोलेंगे कि फ्लावर मोनोशियस है कि डायशियस है। यस मैम, हम तो थर्ड का सी होना चाहिए फिर तो। फ्लावर को बोलेंगे कि फ्लावर मेरा यूनिसेक्सुअल है कि बायसेक्सुअल है ना। हमने मोनोशियस प्लांट कब बोला? जब इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट है। यस मैम। और डायशियस मतलब कब बोला? या तो मेल या तो फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है ना। मतलब मोनोशियस में मैंने बोला अगर ये मेरी स्टेम है तो इधर मेरा मेल फ्लावर लगा है, इधर मेरा फीमेल फ्लावर लगा है। मोनोशियस तो मेल फीमेल अलग अलग लगे हुए हैं। जीटोनोगैमी मतलब जीटोनोगैमी। हाँ हाँ। और यहाँ पे क्या है, ये डायशियस के अंदर इस प्लांट में सारे मेल फ्लावर लगे हैं। yes, या तो मेरे प्लांट में सारे फीमेल फ्लावर लगे हैं। मैम तो कोई किसी प्लांट में तो सिर्फ बायसेक्सुअल फ्लावर्स है तो उससे क्या बोलूंगी? जो टाइम ही नहीं मिल पाया। हाँ बेटा। मैम अगर किसी प्लांट में सारे बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो उससे क्या बोलेंगे? उसे कुछ नहीं बोलेंगे। ओके मैम। सॉरी मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सारे बायसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं, ऐसे नहीं है, होते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। मैम मोनोशियस में बायसेक्सुअल फ्लावर्स भी होंगे? मोनोशियस में बायसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते हैं। डायशियस में बायसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते हैं। मैं सर्च करती हूँ एक मिनट। मैम जो आपने भी बताया डायोशियस और मोनोशियस, मैम उस हिसाब से तो जो अपनी डीपीपी है मैम उसके उसका सी ऑप्शन से ही होना चाहिए। अब मैं डीपीपी पे आ जाऊं? फटाफट जो नहीं हो रहा मैम थर्ड का सी होगा। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इज मोनोशियस। आंसर इज योर मोनोशियस। कहाँ गई मेरी पेंसिल? मैम लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन होता कि अ फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स तो बाइसेक्सुअल लिखते ना? हाँ। प्लांट विद बोथ मेल एंड फीमेल इज योर मोनोशियस कंडीशन। ठीक है। द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। कोरोला कोरोला डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने शायद लगा दिया डी ऑप्शन करेक्ट। फोर यस मैम। क्वेश्चन 5 विच वन इज एप्लीकेबल टू इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर? ऐसा फ्लावर जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उसके लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। क्या प्रोड्यूस्ड? फ्लावर्स आर कॉन्स्टेंट एंड विदाउट नेक्टर। ऐसा तो हो नहीं सकता। फ्लावर्स आर कॉन्स्पिशियस एंड सेंटेड हैविंग नेक्टर। मैम अगर पॉलिनेशन के लिए जाएगा तो मैम वो नेक्टर नहीं पिएगा क्या? मैम नेक्टर भी तो पिएगा वो। क्या क्या होता है मैम? कॉन्स्पिशियस मतलब छुपा हुआ, मतलब छोटा साइज का फ्लावर है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं भी होगा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पेटल्स नहीं है, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं है, बट उसका वो फ्रेग्रेंस जो है इट वॉज स्ट्रॉन्ग और नेक्टर भी बहुत सारा है, मतलब जैसे भी अपने एग्जांपल मोगरा का पोलन ग्रेन्स भी ज्यादा है तो उसके पास ही जाएगा ना इंसेक्ट। मैम पर इंसेक्ट से ज्यादा प्रोमिनेंट फ्लावर्स को देखेंगे ना? फ्रेग्रेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर देम ना।
मैम गूगल पे आ रहा है कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल. या मैम अट्रैक्टिंग सम कॉन्स्पिशियस सेंटर. अच्छा मतलब ये सब कुछ वैसा ही दिया है. फ्लावर बड़ा भी है और अट्रैक्टिव भी है, उसमें बहुत सारे नेक्टर भी है और बहुत सारा फ्रेग्रेंस भी है. मैम फिर तो यही होगा. मैम सब कुछ है. मतलब कि अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसा फ्लावर बनेगा? नहीं नहीं, ऐसा फ्लावर होगा तो उसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा. अच्छा नेक्टर क्या होता है ना? क्या शहद? नेक्टर. नेक्टर मतलब क्या? ये पोलन ग्रेन्स. मैम जूस होता है वो, स्वीट जूस. मैम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं. एट क्वेश्चन सेवन का क्या आंसर लिखूं? सी. क्वेश्चन एट कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या हुआ? प्रोमिनेंट है ना, ऐसे ही देखा था. हु इज दैट बॉय? क्लियरली विजिबल. हाँ वही मतलब. इसमें मतलब वही है, क्लियरली विजिबल. एट क्वेश्चन स्टिग्मा. स्टिग्मा स्टिग्मा बी फिर होता है मैम. और पोलन ग्रेन्स अलग अलग चीज है ना? क्या नेक्टर और पोलन ग्रेन्स? ओके देख सकते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन इफ द ऑटोगैमी ट्रांसफर्ड ऑटोगैमी ऑटोग्राफी एम ए ए एलोगैमी एम ऑटोगैमी 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 होगा. कोई ए बोला ना तो मैं एक मिनट पॉज हो गई. एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ओव्यूल टू मेल न्यूक्ली क्वेश्चन 11 फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स ऑकर एम्ब्रियो सेक. एम्ब्रियो सेक. क्वेश्चन 12 व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट? एम्ब्रियो सी. क्वेश्चन 13 आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ग्रोज इन सीड. सीड कोट तो एंड मैम ओवरी सीड बना लेता मैम ओविल फ्रूट. सीड कोट भी तो सीड का पार्ट ही होगा ना? यस मैम वो तो इंटेग्यूमेंट्स बनाएंगे. लेकिन अगर एप्रोप्रिएट देखा जाए तो एम्ब्रियो सेक सीड बनाता है. मैम सीड तो एम्ब्रियो सेक मतलब नन ऑफ दिस करेंगे. आपके लेवल पे आप इसको बोल सकते हो कि ओव्यूल से सीड बन रहा है, क्योंकि आपके लेवल पे इंटेग्यूमेंट और ये सब कुछ इतना नहीं पढ़ाया जाता. बट अब हम अगर वैसे पढ़ लिया इंटेग्यूमेंट तो ओव्यूल का ही पार्ट. हां पर अब हमने पढ़ लिया है, सो हमने उसको स्पेसिफाइड पढ़ लिया है कि इंटेग्यूमेंट की दो लेयर है, वो दोनों लेयर मिलके बनाती है मेरा सीड कोट. तो एम्ब्रियो सेक ने बनाया मेरा सीड और सीड के अंदर प्रेजेंट है मेरा एम्ब्रियो. नन ऑफ दिस होगा ना? वो तो सिर्फ वो दो लेयर्स ही बना रही है, ओव्यूल तो सीड ही बनाएगा. यस मैम. आफ्टर आंसर नन ऑफ दिस करना चाहिए. मतलब सीड कोट भी तो सीड का पार्ट. यस मैम. यस मैम. मैम एम्ब्रियो सेक भी तो ओव्यूल का ही पार्ट है, तो वो तो पूरा ओव्यूल के बारे में पूछ रहा है. सीड आंसर लगा सकते हैं. सीड लगाओ, नन मत लगा. यस मैम. सीड तो मतलब हाँ वो अनरिलेवेंट हो जाएगा नन आंसर. मैम थर्ड का ऑप्शन क्या है? 13 का अपन ए लगाते हैं. 13 का ए लगाया. यस मैम ए सीड. 14 लगाते हैं. द एनिमल्स दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हर्माफ्रोडाइट डी. मैम इसके ऑप्शंस बता दो. क्या क्या लिखा है? इसके ऑप्शंस नहीं अभी पढ़ा है. नहीं हाँ भाई. यस मैम. एनिमल्स दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, एनिमल की बात कर रहे हैं, उसमें टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, दोनों अगर प्रेजेंट है तो
तो मैं उसको बोलती हूँ हर्माफ्रोडाइट। आपका एग्जाम्पल आता है इसमें अर्थफॉर्म, अर्थफॉर्म इज हर्माफ्रोडाइट एनिमल, ठीक है। अब इसमें विविपेरस मतलब वो दे गिव बर्थ टू यंग वन, ओविपेरस मतलब वो दे गिव्स एग देते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, और स्टराइल मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी नहीं होता है, दे आर नॉट एबल टू एक्वायर द प्रेगनेंसी। हमें हेमाफ्रोडाइट के एग्जांपल क्या बताए? अर्थफॉर्म। ओवीपोरस जो एग्स ले करते हैं ना, ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले, विविपेरस मतलब गिव्स बर्थ टू यंग वंस, जैसे हम लोग है मोस्टली मैमेलिया ग्रुप इज विविपेरस, बाकी सारे मोस्टली ओवीपेरस। मैम स्टराइल वाला जो था मैम उसमें रिप्रोडक्शन बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन? यार नहीं, फर्टाइल लिखते हैं, स्टराइल और फर्टाइल दो कंडीशन होती है। फर्टाइल मतलब दे हैव द कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल है अर्थफॉर्म। स्टराइल मतलब ये जो सिक्स वाले लोग होते हैं ना, जो दे आर नॉट फर्टाइल, जो घर पे आते हैं ना, दे कलेक्ट द मनी एंड ऑल, ट्रांसजेंडर, यस यस यस, दैट टाइप ऑफ पर्संस। मैम विविपेरस क्या है? मैम विविपेरस मतलब जो आईवीएफ, मैम जो आईवीएस आईवीएफ का, हां वो दैट कंडीशन इज डिफरेंट बेटा। उसमें क्या होता है, मेल के अंदर टेस्टिस ही है, फीमेल के अंदर ओवरी ही है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर में दे हैव सम प्रॉब्लम, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं उनको भी कह सकती हूँ कि दे आर स्टराइल, उनको कह सकती हूँ कि दे आर स्टराइल, बट दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। सुनो पूरा, दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। वो स्टराइल हो सकते हैं पर वो हर्माफ्रोडाइट नहीं है। पर मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ उनके अंदर देखो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, टेस्टिस रिड्यूस हो जाती है, तो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बन के आता है ना, तो उस कंडीशन में दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस विद एनीबॉडी, ठीक है? यस मैम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 15, प्लीम्यूल डेवलप इनटू स्टेम, शूट स्टेम। अब इसमें शूट दिया ही नहीं है, स्टेम लिखो बी। हम प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल क्या होता है ये आपको नहीं बताया? यस मैम। अरे सीड जब जर्मिनेट होता है, ये मैंने बताया मेरा सीड, सीड जर्मिनेट होगा तो सबसे पहला जो पार्ट निकल के आता है जो नीचे ग्रेविटी की तरफ टर्न लेता है, दैट वाज योर रेडिकल। यस मैम। और इस रेडिकल से बनती है मेरी रूट, मतलब पूरा रूट सिस्टम कह सकते हैं। और कुछ समय तक और इस सीड को रहने दो, तो कुछ समय बाद इसमें से ऐसा ऊपर की तरफ भी एक निकलता है, और जो ऊपर की तरफ निकला दैट वाज योर प्लीम्यूल, और ये आगे जाके बनाता है मेरा शूट सिस्टम, क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता है टुवर्ड्स द लाइट, और इट ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ओनली। प्लीम्यूल से बनेगा शूट सिस्टम, रेडिकल से बनेगा मेरा रूट सिस्टम। मैम शूट माने स्टेम वाला, बॉम्बे है ना इसका आंसर? शूट मतलब सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है प्लांट का, दैट कंप्लीट पार्ट वी कंसीडर एज ए शूट सिस्टम, ठीक है? पूरे पार्ट को मैंने शूट बोला, मतलब इस शूट सिस्टम में मेरी स्टेम आ जाएगी, मेरी ब्रांचेस आ जाएगी, लीव्स, मेरा लीव्स आएगी, मेरे आएगा फ्रूट आएगा, सब कुछ सब कुछ, एवरीथिंग, मतलब रूट से ऊपर का सारा पार्ट। हाँ हाँ हाँ, जो सेल के ऊपर वाला पार्ट है प्लांट का, दैट कंप्लीट वी इन्वॉल्व इन अवर शूट सिस्टम। नहीं इतनी लंबी फोटोकॉपी मैम, फिर तो 15 के सारे ऑप्शंस सही हैं, फिर तो 20 सीडी हो जाएगा, बाद में करवा लेंगे ना।
क्या क्या है फोटोकॉपी? अरे म्यूट तो कर ले, क्या फोटोकॉपी करना है? मानस शर्मा है। मानस हाँ बोल के अभी अपने पास रख ले, बाद में पूछना क्या करना है। मैं मानव है, मानव क्योंकि क्लास खत्म होगी उसके पहले तो तू जा नहीं पाएगा। मानव क्या yes. मैं कैसे कर दूँ, क्लास चल रही है। मैं वो नहीं सुनना, मैं वो सुन ही नहीं पा रहा। सीखा क्यों नहीं? उसने हेडफोन निकाल के रख दिया होगा ना। चलो अब देखो यहाँ प्लीमियर डेवलप्स इनटू सेम भी सही है, लीफ भी डेवलप होगी। ठीक है ऑन तो है, लोग कैसे हो जा रहे हैं मैम? स्टेम ज्यादा मैम अप्रूव कर रहा हूं। नॉट डेवलप, नॉट डेवलप इनटू। और यहां पर रूट सुनो सेवा क्या है जो ज्यादा सही आंसर है, दैट वाज योर स्टेम पार्ट। ठीक है, या तो यहां ऑल द अबव होता तो हम उसको टिक कर देते। हां मतलब सबसे पहले जिसमें होगा। हां तो पहले मेरी स्टेम डेवलप होती है, स्टेम से ब्रांचेस बनेगी, ब्रांचेस के ऊपर लीफ बनेगी, फिर उसी ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट फ्लावर बाकी चीजों का डेवलपमेंट होगा, पर सबसे पहले कौन बना? स्टेम पार्ट। स्टेम। ठीक है, अगर यहाँ ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन होता तो फिर हम सब इन्वॉल्व कर सकते थे इसके अंदर। मैम बीसीडी मैम रूट तो मैम उसमें रूट भी दिया नहीं, रूट की जगह ही ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होगा। यस मैम। सारी तो अच्छा यस है ना। यस मैम आपका कोई और क्लास है क्या हमारे पास? नहीं बेटा। तो मैम लेक्चर बड़ा कर दीजिए मैम। तो मैं 6:30 तक कर पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं। ओके मैम। ना 10-15 मिनट खींच लूंगी, कोई बात नहीं, वो मैं हमेशा तो फिर जल्दी करा दीजिए। तुम नहीं बोलोगे तो भी मैं खींच लेती हूँ उसको, उतना तो कोशिश करती हूँ पूरा करने की। 8-9 है। हाँ बहुत ही रेयर केस में छूट जाते हैं। 16 क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कोटलीडॉन इज मैम टू स्टोर फूड। स्टोर फूड To develop plumule, नहीं बताया नहीं। Make seed nutritious, नहीं। To develop plumule and radical, नहीं। To store the food, बताया था आपने। A option is correct. Store food मतलब क्या? Cotyledon जो होता है, that cotyledon actually store the food only. हम जैसे wheat में। मम्मी कैसे देखते हैं? सभी 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 के अंदर। Not only अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता कि टू प्रोटेक्ट फूड और टू स्टोर फूड तो कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट होता? स्टोर फूड इज ओके। ओके मैम। इसका काम क्या मतलब कि कोटिलेडॉन स्टोर कैसे करते हैं? हम प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? सीड के अंदर। कैसा होता है? अच्छा सोचो आपने सीड की कवरिंग बताई थी कोटिलेडॉन को। हाँ यस मैम। रुको मैं बता रही हूँ, जैसे सीड जर्मिनेट हुआ, सीड जर्मिनेट हुआ तो मैम सी होगा मैम फिर तो। फर्स्ट टू थिक फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर डेवलप। अब मैंने यहाँ पे ऐसा सॉरी कैसा बनाऊ, चलो ऐसा बना लेते। ये मैंने कुछ सीड बनाया है, ये मेरा प्लीम्यूल वाला पार्ट निकला है ऊपर की तरफ, और ये नीचे मेरा रेडिकल है, यहाँ बनाया मैंने है ना। अब इसमें सबसे पहले ऊपर दो थिक फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर सा डेवलप, ऐसा डायग्राम आपने कहीं देखा होगा? यस मैम। ये जो दो स्ट्रक्चर्स बने हैं दैट वाज योर कोटिलेडॉन, पहले तो ये समझ लो। उसके बाद जैसे मेरा चना है, चने को मैंने उसके अंदर पानी में गलाया तो आसानी से उसका छिलका निकल जाएगा, यस और नो? यस मैम। जब उसका पील आउट कर देंगे छिलका निकलेगा तो उसको वो इजीली दो पार्ट में अलग अलग हो जाता है ना। वी आर गेटिंग टू पार्ट्स ऑफ अवर दैट सीड, पार्ट अलग अलग हुए हैं, दैट वाज योर कोटिलेडॉन्स। जब ये प्लांट छिलका निकालने के बाद जो सेपरेशन होगा, हाँ ये दो कोटिलेडॉन्स हो गए। और किसी किसी में मुझे एक ही कोटिलेडॉन दिखता है, वी जस्ट फाइंड द वन कोटिलेडॉन देयर। एग्जांपल देखो आपका राइस है, व्हीट है, दो कोटिलेडॉन प्रेजेंट है। अगर वो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसा मेरा काजू बादाम भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, पल्सेस भी आएंगे। बट अपना राइस ये भी सीड्स हुए ना फिर? हाँ ये भी सीड ही तो है। अब वो सीड की उस कोटिलेडॉन में फूड स्टोर है, वो सीड के डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए है,
बट हम उन सीड से एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं होने देते, हम उसी फूड को खा जाते। यस मैम। अभी समझ आया मैम? लेकिन एंडोस्पर्म वो करता है ना न्यूट्रिएंट सप्लाई। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के अंदर है पर बाहर भी तो ये फूड स्टोर रहता है ना। मैम इससे क्या डेवलप होता है? किससे? कॉटलीडॉन से? यस नहीं, कॉटलीडॉन में फूड स्टोर रहता है, वो एक थैला टाइप का बना लेता है। दे सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो व्हेन इट बिकम जर्मिनेट। मैम ये एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म ही हुआ ना। एंडोस्पर्म में फ्लावर बनेंगे, जहाँ फ्लावर बनेगा वहाँ फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर ही सीड बनेगा। किसी का माइक ऑन है? अभी अभी गया, बंद हो गया। मैम ये जो आपने बताया था जो सीड से दो लीव्स निकली थी, तो मैम वो कॉटिलेडॉन है कि जो सीड्स? मैम देखो, सीड का जर्मिनेट होने के बाद ये दो कॉटिलेडॉन बाहर निकल के आ जाते हैं। यस मैम। पर जब तक जर्मिनेशन नहीं हुआ है दे आर प्रेजेंट अराउंड द सीड ओनली। यस मैम। प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो एंड दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो व्हेन इट बिकम जर्मिनेट, सो दे आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर इंक्रीज ना व्हेन दे जर्मिनेट। जब तक वो डॉर्मेंट स्टेज में है तब तक तो उसमें एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो दे नेवर यूज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कॉटिलेडॉन। अब मैंने चने को एक बोरी में एक डब्बे में भर के रखा है, तो क्या वो चना जर्मिनेट होगा क्या? नो मैम। नहीं होगा। उसका न्यूट्रिएंट वैसा के वैसा ही रहेगा ना, वो कॉटिलेडॉन वैसे ही प्रेजेंट है। पर जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा इट स्टार्ट टू जर्मिनेट, और जर्मिनेट होगा मतलब इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। यस मैम। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो न्यूट्रिएंट चाहिए। सो एट दैट टाइम दैट कॉटिलेडॉन प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स। ओके ओके। अभी शायद क्लियर हुआ है। हम ये सीड कोट इंटेंगलमेंट से बनते हैं ना? हाँ, सीड कोट टेस्टाइन टैगमन दो पार्ट होते हैं सीड के। मैम ये जो कॉटिलेडॉन होते हैं इनको हम एंजियोस्पर्म कह सकते हैं क्या? क्या मैम? कॉटिलेडॉन तो दो लीफ ना। नहीं, कॉटिलेडॉन को एंजियोस्पर्म नहीं बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। वेल डेवलप्ड प्लांट्स आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है। 18th क्वेश्चन में डाउट वाला करा। हां बस क्वेश्चन 17 मैम 18 का डी होना चाहिए। मोनोकॉट सीड सेट्स ओनली वन कॉटिलेडॉन। बी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यस मैम। क्वेश्चन 18 पार्ट ऑफ कोकोनट विच इज एडिबल इज एंडोस्पर्म। कैसे? नहीं, व्हाइट पार्ट होता है मैम, यही होता है एंडोस्पर्म कोकोनट में। कोकोनट? हाँ। अब देखो इसमें क्या होता है, पेरिकार्प होता है। मैम मोनोकॉट होते हैं ना वो लोग? मैम कोकोनट। हाँ हाँ। इसमें पेरिकार्प होता है, इंडोकार्प होता है, मिजोकार्प होता है। किसकी बात कर रहे हैं? कोकोनट की। कोकोनट में जो व्हाइट वाला पार्ट है बेसिकली दैट पार्ट इज योर सीड पार्ट। बाहर वाला जो रेशे वाला पार्ट होता है दैट वॉज योर मिजोकार्प। और अंदर एक जो पतली सी ब्लैक सी लेयर निकलती है व्हाइट पार्ट के बेस पे, नारियल इमेजिन कर रहे हो? यस मैम। राखी आ रही है, नारियल खूब मिलने वाले हैं। यस मैम। बाहर का हार्ड पार्ट जो है दैट वाज योर मिजोकार्प। यस मैम। हार्ड पार्ट को निकाल दोगे तो एक ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है पतली सी। यस मैम। दैट वाज द एंडोकार्प। यस मैम। और उसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट वाज योर सीड, वो आपका सीड वाला पार्ट है। और उसके अंदर जो खाली जगह है जिसमें पानी भरा हुआ है, आ रहा है समझ में? यस मैम आ रहा है। पानी इज योर, मैं लिखे इसको, आपकी इच्छा लिख सकते हो जो पानी है। तो फिर से बता दो। हाँ मैं बता, मैं डायग्राम बना देती हूँ, नारियल का डायग्राम कोशिश करती हूँ। ऐसा वी आर मेकिंग द टूटा हुआ नारियल। ठीक है, ये मेरा ब्राउन लेयर और अंदर मेरा व्हाइट वाला लेयर है।
अभी कुछ समझ पा रहे हो? ये yes, मेरा हार्ट वाला फाइबरस लेयर है बाहर का, ये तो तबला बन गया है ब्राउनिश कलर का, हाँ ब्राउनिश कलर। तो ये वाला बाहर वाला लेयर हो गया मेरा मिजो का, ये जो ब्राउन लेयर दिखा था इसको मैंने बोला था इंडोकार्प, बोलू इंडोकार्प। yes, ma'am. ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ये मेरा सीड हो गया है, और अंदर ये नारियल के अंदर की खाली जगह जहां पे मेरा वाटर प्रेजेंट था, ये वाटर कौन है? मेरा इंडोस्पर्म। मैम तो एडिबल का होता है उसे तो हम एडिबल तो हम सीड भी हो, तो मैम सीड को भी तो खाते हैं व्हाइट पार्ट को खा रहे हैं। नारियल का पानी पीते नहीं हो? पीते हैं मैम। फिर कैसे नहीं? बट मैं बट सीड को भी तो खा सकते हैं ना उसे? हां सीड को खा सकते हैं, हम खाते ही सीड खाते हैं, दाल चावल गेहूं सब खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? सीड ही तो खा रहे हैं। सीड ही है मैम। खाजो बना सीड भी हो सकता है तो मैम सीड होना चाहिए ना? हां सीड होगा आपका, मोस्ट एप्रोप्रिएट वही होगा। आंसर में सीड बता रही हूं आपको मैम। एंडोकार्प और मेसोकार्प में ये फर्क है कि मेसोकार्प वो फाइबर्स है और एंडोकार्प उसके नीचे भी है। हां हां इसमें देखो, अगर आप मैंगो को देखो, मैंगो यू सी द मैंगो, ये मैंने बताया पेरिकार्प के अंदर है, वही तो नहीं है इसके अंदर। हम एक बार यहां पे आम बताया, आम के हम एंडोकार्प हम खा सकते हैं ना? हां खा सकते हो पक्का, हम वो वाइट के साथ खाते हो। हां मेसोकार्प को नहीं खा सकते हो, पर आम के अंदर हम मेसोकार्प ही खा रहे हैं। अब देखना एक बार आम का ये बाहर वाला छिलका जिसको मैंने बोला इपिकार्प, अब देखो हम कुछ और ही पढ़ने लग गए है ना। इपिकार्प के अंदर ये जो फ्लैश वाला पार्ट है आम का जो हम खाने वाले हैं, इसको मैंने बोला है मेरा मेसोकार्प। ठीक है, अंदर की तरफ ये लेयर पतली सी दिखती है, इसको मैंने बोला है इंडोकार्प, और इसके अंदर प्रेजेंट है कौन? ये मेरा सीड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंदर की तरफ है मेरा सीड, आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. अगर आप रॉ मैंगो को कट करो, वेट, अगर आप रॉ मैंगो को कट करते हो तो अंदर से सीड सॉफ्ट सॉफ्ट सा निकलता है। Yes, ma'am. इंडो कार्प किसको कहा है मैम? इंडो इंडो कार्प ही अंदर पतली सी लेयर है। अब यहाँ पे सीड के ऊपर होता है मैम, सीड के ऊपर होता है। हाँ हाँ अब सुनो, यहाँ मेसोकार्प एडिबल है और यहाँ पे कौन सा एडिबल है? इंडोकार्प इज एडिबल। अंतर हुआ ना फ्रूट फ्रूट में? यस मैम। इंडोकार्प इज हार्ड, लेकिन मैम एंडोकार्प भी तो हार्ड होता है मैम, ब्राउन वाला पतला लेयर। हाँ पर खाते है उसको, निकाल के थोड़ी फेंकते, खाते नारियल ही होता है। अब ये इपिकार्प वाली लेयर जो है इसके अंदर नहीं दिख रही, दिखाई मैंने। अब आप वो नारियल को इमेजिन करो जिससे हम नारियल पानी पीते हैं। yes, ma'am. उसके ग्रीन अंदर बाहर, हाँ ग्रीन कलर वाला। अब उसके अंदर बाहर एक और लेयर दिखती है ना हमको? yes, ma'am, दिखती है। तो दैट लेयर वाज इपिकार्प। मैम एंडोकार्प कहाँ से है मैम? वो तो दिखती है नहीं है हम कभी। कहाँ नहीं दिखती एंडोकार्प? मैंगो में कभी दिखी नहीं मैम। मैम ब्लैक ब्लैक लेयर मैम, जो अचार में होती है वो मैम आगे बढ़ती हैं मैम। जो एंडोस्पर्म है मैम वो तो बाहर होता है ना सीड के? यस मैम, एंडोस्पर्म सीड के बाहर होता है। हां यस मैम, बाहर से निकलता है। अरे मुझे भी कंफ्यूज करते हो, एम्ब्रियो के बाहर होता है एंडोस्पर्म, सीड के बाहर कहां जाएगा? मैम सीड से तो, एम्ब्रियो से तो वही बनता है ना। अरे खोलो देखो एक बार फिर से देख, मैंने सॉरी है ना, डोंट माइंड इट। ये मैंने बोला मेरा एम्ब्रियो है, इसके बाहर बना था इंडोस्पर्म, इसके बाहर एम्ब्रियो सैक ने बनाया था मेरा सीड। yes. इसके बाहर ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट ने बना दिया था सीड कोट, अभी ट्यूबलाइट चली। yes. So, ये इंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा ना? hmm. कि ये yes, सीड के बाहर बैठेगा जाके? नहीं मैम, अंदर न्यूट्रिएंट देगा, अंदर आएगा मैम एम्ब्रियो सैक के जो एंडोस्कार्प है वो क्या, एक बार आप बता दूंगी? व्हाइट के बेस पे ब्लैक सी लेयर होती है। ओके मैम, यस
दैट वाज इंडो का तो मैम 19 बी सीड होगा ना हाँ सीड होगा कहाँ गया मेरा 19 19 तो छुप ही गया इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ एंडोस्पर्म एम्ब्रियोसैक के अंदर जाता है तो मैम इस सीड में कहाँ पर हुआ फिर वो सीड के बाहर जाना फिर तो अरे मैम वाटर वाला पार्ट तो एम्ब्रियो होना चाहिए मैम नहीं आया वाटर वाला सीड के अंदर एम्ब्रियो है ना यस मैम लेकिन आपने वाटर वाला पार्ट एंडोस्पर्म बताया था यस मैम वो तो जर्मन मतलब बन जाएगा ना मैम आपने एक डायग्राम बनाया था मैम आपने उसमें थ्री सर्कल्स बनाए थे मैम हां और आपने एक फर्टिलाइजेशन एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज हुआ था एक फीमेल न्यूक्लियस के साथ बना था मेरा जायगोट या मेरा एम्ब्रियो याद आया मेरा दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज हुआ था दो पोलर न्यूक्लियस के साथ तो टोटल तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ था ट्रिपल फ्यूजन बना था मेरा एंडोस्पर्म 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 इसके चारों तरफ ही था ना हाँ कि ना मैम लेकिन पहले जायगोट डिस्टोर होगा उसके बाद एंडोस्पर्म डिस्टोर होगा हाँ जायगोट के बाद पहले एम्ब्रियो बनेगा जायगोट बनेगा जायगोट डिवाइड होगा मैच्योर होगा फिर एम्ब्रियो बनेगा यस मैम मैम एक चीज और पूछनी थी हाँ बोलो मैम आपने जैसे बोला एंडोस्पर्म के बाहर बना तो मैम इस सीड की कोटिंग पे बनने एंडोस्पर्म बांध लिया तो मैम इसके बाहर जो अपना फ्रूट में छिलका होता है मैम वो फिर एम्ब्रियो सैक होना चाहिए ना फ्रूट के बाहर का छिलका एम्ब्रियो सैक मैम एम्ब्रियो सैक कहाँ आएगा फ्रूट में एम्ब्रियो सैक नहीं तो सीड बनाया यस मैम सीड बनाया लेकिन आपने जो डायग्राम बनाया था लेक्चर में मैम वो ऐसा था एम्ब्रियो सैक सबसे बाहर वाला सर्कल उसके अंदर वाला सर्कल एंडोस्पर्म और उसके अंदर वाला एम्ब्रियो एंडोस्पर्म तो सीड के अंदर ही होना चाहिए यस मैम तो सीड के बाहर और सीड के छिलके और जो सीड का मेन कोटिंग है और उसके बीच में रहना चाहिए मैम चुप रहो कुछ भी बोल रहे हो ये मैंने बनाया मेरा एम्ब्रियो ये एम्ब्रियो है यस मैम पूरा भर दिया लो ये एम्ब्रियो अब इस एम्ब्रियो के बाहर क्या होगा एंडोस्पर्म पक्का होगा पक्का यस मैम पक्का यस मैम इसके चारों तरफ बना दिया मेरा एंडोस्पर्म अभी कोई दिक्कत नो मैम ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला है यस मैम ये कौन है एंडोस्पर्म यहाँ मैं लिखूं इंडो बस इतना ही लिखूंगी फोन है अंदर E for embryo. Embryo. Embryo, endosperm. अब इसके बाहर कौन था एम्ब्रियो सैक की एक लेयर मुझे बतानी पड़ेगी ये मैंने ग्रीन कलर का पेन उठाया और मैंने इसके चारों तरफ एक लेयर बना दी दैट पास होती है इस लेयर को मैंने बताया क्या एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो सैक यस मैम अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया मेरा सीड यस मैम इसमें पूरा बन गया है अभी समझ आ गया पहले yes, तो सीड के अंदर हुआ फिर उसके अंदर एंडोस्पर्म है और फिर ये मेरा एम्ब्रियो सैक के लिए जो सीड बना दिया अब इसके बाहर की तरफ मुझे दिख रहा था मेरा ओव्यूल हां कि ना बोलो जल्दी यस मैम इसके बाहर मुझे ओव्यूल दिख रहा था ना मतलब ये ओव्यूल की दो लेयर इसने बना दिया मेरा इंटेगमेंट की लेयर ने बना दिया सीड कोट सीड कोट यस मैम सीड कोट और ओके दूसरा सीड कोट डबल सीड कोट अब अगर आप बादाम को इमेजिन कर रहे हो तो जो पूजा में बादाम होता है उसका एक और ऊपर छिलका होता है ना हार्ड यस मैम होता है यस मैम तोड़ोगे तो वो बादाम निकलेगा जो आप खाने वाले हो यस मैम अंदर का पार्ट खाने वाले बादाम को जब आप पानी में गलाओगे उसका एक और पतला छिलका निकल जाएगा ना मैम ब्राउन कलर का मैम वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा यस तो वी हैव टू सीड को सीड कोट्स ना देयर यस मैम और ऐसे समझ में सो ये जो मैंने बनाया ब्लू कलर से ये मेरा ओव्यूल है ना हां कि ना यस मैम तो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट ने क्या बनाया सीड कोट सीड कोट अभी यू गर्ल आया क्या यस मैम आ गया ऐसा कुछ बन के तैयार हो गया yes, अब इस ओव्यूल के बाहर क्या था ओवरी ओव्यूल के बाहर था मेरा ओवरी
यस मैम यस मैम ओवरी जो थी वो फूली फ्रूट स्टोर किया और इस ओवरी ने बना दिया मेरा फ्रूट यस मैम बना दिया ये ओवरी ओवरी ने बना दिया मेरा फ्रूट 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 तो ये मेरा फल अब ये जो फूल की डंडी थी वो फल की डंडी बन गई ना यस मैम यस मैम फल की डंडी थी फल की बन गई और ये स्टिग्मा स्टाइल वाला ये सारे पार्ट निकल गए यहाँ से ये ओवरी में है थिक फ्लैशी वॉल्स फ्लैशी सब्सटेंस आने वाला हमारा सब्सटेंस ये तो फिर अगर मैंगो का पूछा जाता है कि एडिबल पार्ट क्या है तो फिर तो अपन सीड नहीं कह पाते तो मैंगो का सीड हम कभी खाते ही नहीं है अब इस तो एंडोस्पर्म उसका एडिबल पार्ट नहीं रहता ना मैंगो का ओके मैम मैम आगे कर ले मैम क्वेश्चन नंबर 22 में हां बेटा जल्दी टाइम हो रहा है मेरा यस आपका भी हो रहा है वैसे तो सो व्हिच क्वेश्चन 19 क्वेश्चन डन क्वेश्चन 20 अब मेरे पास जगह नहीं बची मैं यही लिख देती हूं मेरा क्वेश्चन 20 फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजर आर्थेनोकार्पी ए आंसर क्वेश्चन 21 स्टडी ऑफ सीड कॉल्ड स्पर्मोलॉजी मैम स्पर्मोलॉजी ए लगाऊं कि बी लगाऊं मैम ए मैम बी मैम बी बी स्पर्मोलॉजी मैम बी 22nd क्वेश्चन अ प्लांट विद सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर इज मैम मोनोसीयस 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 यस मैम यस मैम रिपीट क्वेश्चन है रिपीट क्वेश्चन है हमने बहुत डिस्कशन किया है मैम 26 भी रिपीट है तो ऑप्शन इज डायोशियस होगा ना सेप शीस होगा यार तू एक सेपरेट लिखा है उसमें देखो क्या लिखा ऑन अ प्लांट चुप चुप पहले सुन मोनोशियस ऑन वन प्लांट मोनोशियस होगा मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट करूं गोला बनाऊं इस क्वेश्चन में लिखी है गोला बनाऊं क्या कि दिख रहा है यस मैम देख गया सी दैट डायोशियस मतलब आइदर मेल और फीमेल आइदर फीमेल अभी ट्यूबलाइट चली मैम क्वेश्चन 26 में तो मैम आंसर यूनिसेक्सुअल दिया मैम मतलब मैम रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें आंसर यूनिसेक्सुअल दे रहा है नहीं वो मैं वो रॉन्ग है ना हां वो रॉन्ग है 26 का सी होना चाहिए हां मैम बीच के क्वेश्चन तो छोड़ दिए मैम ये सब हो गए मैंने मैम 21 मैम स्टडी ऑफ सीड को क्या 16 17 18 19 ये करा 20 हम स्टडी ऑफ सीड क्या कहते हैं मैम 15 के बाद वाले मैम स्पर्मोलॉजी 22 क्वेश्चन तेरे को बताऊं मैं अभी 15 के बाद क्वेश्चन मैंने छोड़े ये क्या लिखा है मैम 15 के बाद आप डायरेक्ट 20 से लिखाने लगी ये क्या लिखा है देख मेरा पेन ऊपर लिखा है ऊपर लिखा है तू सो रहा था क्या बीच में कहीं चला गया था क्या नहीं बता मेरे को मैम नेटवर्क चला गया था मैम इसलिए हाय हाय तभी याद आई है अभी अब बाद में बताऊंगी अभी नहीं बता पाऊंगी प्लीज 23 यस मैम क्योंकि क्लास में यू सी द रिकॉर्डिंग यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स यस मैम 21st का क्या बताया 21st का बी ऑप्शन 21st का बी ऑप्शन 22nd अ प्लांट विद सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर नाउ आंसर इज हियर मोनोसियस मैम मोनोसियस 23rd ऑप्शन एनी सेल टिश्यू और एन ऑर्गन removed from a plant for the purpose of culturing is called scion hum iska c diya hai mam isme to wo the mam samajh nahi aaya bola isme to current isi varsha mein isme to culturing bola is question ko mam micropropagation hoga ha tissue culture se related hai ye mam isko c diya hai iska answer kya diya hai explant diya hai shayad hum c diya hai mam diya c diya hai मैम एक्सप्लांट क्यों हां मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाऊंगी यस मैम यस 24 क्वेश्चन हम बाकी सब सी मैम रिपीटेड है रिपीटेड ओके रिपीटेड ये देखा एनी सेल टिश्यू और ऑर्गन रिमूव्ड फ्रॉम अ प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट ये लर्न कर ले हां ये साइकन और स्टॉक तो ग्राफ्टिंग में होता है इसलिए मैम एक्सप्लांट यस मैम ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा था उसमें यही था कि एक स्टॉक प्लांट था जो ऊपर से रख रहे हैं उसे क्या बोलेंगे सो दैट वाज योर सायन इसलिए मैंने तुरंत आंसर दिया सायन बट इट दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कल्चर
है ना, माइक्रो प्रोपोगेशन वाले पार्ट पे, मैं किसी बॉडी से सेल निकालू, टिश्यू निकालू या एक ऑर्गन निकालू और फिर उसको कल्चर करूं, है ना। आपने उसमें बताया था कि जब सेल से होता है तो हम टिश्यू और ऑर्गन से भी हो सकता है ना। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ओके मैम। अमीनो सिंथेसिस मैम, एंडोकार्प क्या होता है? अमीनो सिंथेसिस मतलब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसकी बॉडी से कुछ पार्ट को निकाल लिया जाता है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्रोसेस। अमीनो सिंथेसिस, अभी जब अपन ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे ना तब मैं इसके बारे में बताऊंगी। एंडोकार्पी क्या होता है? इंडोकार्पी मतलब जो ओवरी है ना, गाइनेशियम वाला पार्ट, उसके बारे में बोलते हैं कि ओवरी कैसी सिनकार्पस है, एपोकार्पस है, इंडोकार्पिलरी, ऐसा अलग अलग वर्ड से। अब देखो बॉटनी इतना डिटेल तो हमें पढ़ना नहीं है। मैम मोनोशियस थोड़ा पूछना था, मैं पूछ लूं मैम आखिर, थोड़ा छोटा सा है मैम, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा वो। स्क्रीन पे लिखा हुआ है मोनोशियस मैम। स्टडी ऑफ सेल को परमोलॉजी कहते हैं या परमोलॉजी? परमोलॉजी मैम। सीडोलॉजी क्या होता है? क्या क्या होता है मैम? सीडोलॉजी क्या होता है फिर? सीडोलॉजी पता नहीं क्या होता है मैम, ऑप्शन में दिया था। हां वो तो दिया था, मैं इसका वो ढूंढ रही थी, सिनकार्पस एपोकार्पस। हम 25 का फेटल डी होगा ना। मैं अभी क्लोज करूं क्लास। हम 25 का आंसर क्लियर होगा सारे। यस मैम, यस मैम, यू कैन डू। बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड नाइट। गुड डे मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट कौन बोल रहा है? जब जा रहे हैं तब गुड नाइट ही बोलते हैं। स्पर्मोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सीड को, इट इन्वॉल्व द स्टडी इन टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी। मैम 16 17 23 का आप कल बताएंगे हम अगली क्लास में। हाँ अगली क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं आपको। मैम स्पर्मोलॉजी कहते हैं या परमोलॉजी? स्पर्मोलॉजी कितनी बार पूछेगा यार, स्पर्मोलॉजी। और मैम परमोलॉजी को क्या बोलते हैं? नहीं पता मैम, क्या सोच के अलग 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 ऑप्शंस दिए होते हैं क्वेश्चन में, मैंने ऐसा कैसा क्वेश्चन उठा के रखा क्योंकि स्टडी ऑफ सीड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो इसे एक टर्म को याद कर लो वही बहुत है। समझ में आ गया मैम, परमोलॉजी चार थप्पड़ पहले मारती फिर बताती क्या कहते, और फिर शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही बता देता कि क्या बोलते। एक बार जरा वेट वेट, एक बार पूछ जरा फिर से क्या बोलते। परमोलॉजी। हाँ अब तूने कैसे बोला, कैसे जवाब दिया, अभी तक मेरे से 5 बार पूछ चुका है क्या बोलते क्या बोलते। मैम किसी और ने पूछा था मैम पहले, मैंने सामने था भी नहीं, मैंने मारा भी नहीं है, फिर भी मैंने एक बार पूछा तो यू गिव द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर टुडे ना। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। नेक्स्ट लेक्चर भेजेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। मान जाला, मान जा। यस मैम। बनाओ चील का कौवे, बनाओ मेरी स्क्रीन के ऊपर। यस स्टॉप। लव बना रहा मैं। बोल बेटा। मैम अभी जो आपने कहा था आप लाइफ प्रोसेसेस का बोलोगे, टेस्ट लोगे जो बड़ा वाला कि वो पूरा सारा चैप्टर को मिला के हमारी टर्म वन के लिए, मैम मैं कह रही थी वो ऑफलाइन ले लेना मैम, बस एक दिन सारे बच्चों को बुला के मैम वो ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन कर देते हैं। यस मैम, ठीक है, वी ट्राई फॉर दिस आल्सो। यस मैम, क्योंकि अभी नियॉन बैच का तो खुल गया ऑफलाइन, तो अपन एक दिन के लिए तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं बात करूंगी, अगर पॉसिबल होगा तो वी डू। ओके मैम। मैम क्या, ओके मैम, क्या मैम, मैम क्या मैम, ओके मैम, थैंक यू। सो गए थे क्या? सो गए थे मैम। अरे मैम आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रही थी। ऑफलाइन वी वांट टू कम एंड वी डिस्कस द टॉपिक। ओके मैम, व्हिच टॉपिक? लाइफ प्रोसेस। इस बार टॉपिक ओके, ठीक है मैम, बढ़िया। दिस वी कंप्लीट द ह्यूमन न्यूट्रिशन। अभी हम दो टर्न ह्यूमन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या बोल रही हूं, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा देन वी डू द रिवीजन फॉर लाइफ प्रोसेस। अभी के टेस्ट में आएगा प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके मैम, ओके देन वी क्लोज,
बाय थैंक यू वेरी अभी के टेस्ट अभी के टेस्ट में रिप्रोडक्शन आएगा फिर जो लाइव प्रोसेस का वो कब होगा मैम जो टाइम लगेगा अभी मैं बता दूंगी चिंता मत करो अभी प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ो अच्छे से मैं अभी तो मैम यही कर रहा हूं प्लांट और एसेक्सुअल दोनों आएगा ना हां पूरा पूरा मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन पूरा अप टू प्लांट रिप्रोडक्शन ऐसा सोचो यस ओके मैम यस थैंक यू मैम ओके देन बाय थैंक यू वेरी मच मैम गुड डे